हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय की हमीरी रोड पर रायका कॉलोनी में हुई लूट के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लूट का पूरा षड्यंत्र इस घर की बहू ने ही रचा था। उसने अपने रिश्तेदार के साथ प्लानिंग कर खुद ही अपना घर लुटवा दिया। झुंझुनू पुलिस की जांच में सामने आया है कि बहू बबीता राजपूत ने अपने रिश्ते के मामा से घर में चोरी करवाई। इसकी वजह बबीता ने ये बताई कि ससुराल वाले उसके परिवार से दहेज में कार की मांग कर रहे थे, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया ताकि उसे उसी पैसों से वे ससुराल वालों को गाड़ी दे सके। झुंझुनू एसपी जगदीश चंद शर्मा ने बताया कि 12 जून साल 2020 की रात 2 बजे झुंझुनू की रायका कॉलोनी में सुमित्रा शेखावत के मकान में चार हथियारों से लैस चार नकाबपोश बदमाशों ने उनके घर में घुस गए। उन्होंने घर में मौजूद मकान मालकिन सुमित्रा शेखावत, पुत्र वधू बबीता और सुमित्रा की बेटी डिंपल और दोहिती को बंधक बनाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और इसके बाद वे घर से लाखों रुपए के जेवरात और 40,000 रुपए नकदी लूट ले गए। झुंझुनू पुलिस जांच में भिवानी के खरक कला निवासी मुकेश राजपूत और दीपक राजपूत और रोहतक के कलानौर के रहने वाले नकुल जाट पर शक हुआ। झुंझुनू पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पूरे मामले में किसी परिचय के मिले होने की शंका थी। फिर मुकेश और बबीता के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग से इस बात के खुलासा हुआ और ये बात पुख्ता हो गई। पुलिस पूछताछ में पहले तो मुकेश पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर फिर सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि इस वारदात को बबीता राजपूत की मदद से ही अंजाम दिया गया था। जब वे घर में घुसे थे तो छत का दरवाजा भी बबीता ने ही खोला था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में बबीता ने बताया कि ससुराल वाले उसके परिवार वालों से दहेज में कार की मांग कर रहे थे, ऐसे में उसने रिश्ते में मामा लगने वाले मुकेश के साथ मिलकर इस लूट की प्लानिंग बनाई और ये प्लानिंग फरवरी 2020 से बनाई जा रही थी, मगर बबीता अपनी नंद डिंपल के घर पर रहने के लिए आने का इंतजार कर रही थी ताकि उससे भी जेवरात चुराए जा सके। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.